साई प्रणाम सटीवन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर, मैं हूं सुजीत सिंह। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। पंचमुखी हनुमान मंदिर पर पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर राज्यसभा सांसद व भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री ने अक्षत वितरण कार्यक्रम का किया शुभारंभ। 11 से 17 जनवरी तक भव्य रूप से विभिन्न विभागों के आपसी सामंजस्य के तहत गोरखपुर महोत्सव का होगा आयोजन। वरिष्ठ प्रशिक्षक के नेतृत्व में आईजी रेंज के स्थानांतरण पर विदाई समारोह का किया गया भव्य आयोजन। जिलाधिकारी ने जानकारी, कहा आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत जनपद में किया जा रहा मतदाता पुनरीक्षण का कार्य। गोरखपुर महोत्सव में आकर्षण का केंद्र रहेगा वन विभाग की देख रेख में बांस से निर्मित विभिन्न उत्पादों का स्टॉल। भारतीय नवयुवक संघ द्वारा आयोजित शहीद रविंद्र सिंह प्रतिभा खोज परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का पुरस्कार वितरण समारोह का हुआ आयोजन। डीएफओ ने जानकारी, कहा जनपद में अवैध कटान के खिलाफ वन विभाग कर रहा प्रभावी कार्रवाई। और गोरखपुर महोत्सव से संबंधित दिव्यांगजनों के लिए सीआरसी गोरखपुर द्वारा व्हीलचेयर ट्राईसाइकिल दौड़ प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। आगामी 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह के तहत भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा अक्षत वितरण कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री व राज्यसभा सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि द्वारा देवरिया बाईपास रोड पर स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर से भगवान हनुमान की पूजा अर्चना से किया गया। शुभारंभ से पूर्व भाजपा पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने भाजपा महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता के नेतृत्व में भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री व राज्यसभा सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल का फूल मालाओं के साथ भव्य रूप से स्वागत किया।
इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री व राज्यसभा सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने बताया, भारत समाज के लिए और हिंदू समाज के लिए विशेष रूप से इससे बड़ा कोई दिन नहीं हो सकता। भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर जो पिछले 500 वर्षों से लगातार संघर्ष चल रहा था, भारत में ही रहकर हम भारत के लोग भारत के आराध्य के लिए संघर्ष कर रहे थे, आज वो संघर्ष अपने अंतिम स्वरूप में आया है और 22 जनवरी को हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र दामोदर मोदी जी के द्वारा भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर का लोकार्पण होने जा रहा है, शुभारंभ होने जा रहा है। मैं पूरे देश में घूमता हूँ, आज पूरे देश के 142 करोड़ नौजवानों में, यहाँ तक कि मैं आपसे बताऊं कि बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिम संप्रदाय के लोग, सिख और ईसाई की तो बात ही छोड़ दीजिए, आज जितना उत्साहित है ऐसा लगता है कि कोई मंदिर किसी धर्म का नहीं बल्कि राष्ट्र का मंदिर बन रहा है। एक अजीब सी राष्ट्रीय राष्ट्रवाद की भावना का ज्वार पैदा हुआ है, चारों ओर नागरिक उत्साहित हैं और आज़ादी के इतिहास में आज़ादी के बाद की शायद सबसे बड़ा कार्यक्रम होने। आगामी 11 से 17 जनवरी तक गोरखपुर में भव्य रूप से जिला प्रशासन की देखरेख में गोरखपुर महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जहां 11 जनवरी को उत्तर प्रदेश के पर्यटन मंत्री द्वारा गोरखपुर महोत्सव का भव्य उद्घाटन होगा। वहीं 13 जनवरी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कर कमलों द्वारा गोरखपुर महोत्सव का समापन भी संपन्न होगा। महोत्सव में विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल के माध्यम से अपने विभाग की संपूर्ण जानकारी मुहैया कराई जाएगी। वहीं शिल्पियों द्वारा भी स्टॉल के माध्यम से अपनी कला का प्रदर्शन किया जाएगा। महोत्सव में फूड कोर्ट, बच्चों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं, विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी महोत्सव के अंतर्गत किया जाएगा। पीछे करा के बंद करा दो, चेंज हुआ फिर तो अभी थे आदमी पता नहीं पीछे में लग रहा निकल गया। इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने बताया, 11 से 17 तक जनपद गोरखपुर में गोरखपुर महोत्सव मनाया जाएगा, जो अलग अलग दिन के अलग अलग एक्टिविटीज़ प्लान्ड है। 11 तारीख को माननीय पर्यटन मंत्री जी के द्वारा इसका इनॉग्रेशन किया जाएगा और 13 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इसमें क्लोजिंग किया जाएगा। इसमें विकास विभाग समस्त विभाग का स्कीम्स के स्टॉल्स लगाए गए हैं, शिल्पकारियों के लिए स्टॉल्स लगाए गए हैं, फूड कोर्ट्स हैं, बुक फेयर का अरेंजमेंट्स किया गया है, साथ में GDA ने दिग्विजयनाथ पार्क में कुछ बच्चों के लिए अम्यूजमेंट्स भी रखा गया है उनके द्वारा। इसके अतिरिक्त गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में भी कुछ अलग अलग दिन पे अलग अलग कल्चरल प्रोग्राम्स कराए जा रहे हैं। IG रेंज गोरखपुर परिक्षेत्र गोरखपुर जे रविंद्र गौड़ का स्थानांतरण आगरा जनपद में किया गया है, जहाँ पर उन्हें आगरा कमिश्नरेट का पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। बुधवार को पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर के नेतृत्व में IG रेंज जे रविंद्र गौड़ के विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जहां पर जनपद के पुलिस विभाग के समस्त राजपत्रित अधिकारियों ने IG जे रविंद्र गौड़ के विदाई समारोह में सम्मिलित होकर उनके उत्कृष्ट कार्यों की चर्चा की और उनके द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों को पूरी गंभीरता के साथ अपनाने की बात कही। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक नगर कृष्ण कुमार विश्नोई, क्षेत्र अधिकारी कैट मानुष पारिक, क्षेत्राधिकारी कोतवाली अंशिका वर्मा, पुलिस अधीक्षक उत्तरी जितेंद्र श्रीवास्तव, पुलिस अधीक्षक दक्षिणी जितेंद्र कुमार, पुलिस अधीक्षक अपराध इंदु प्रभा सिंह सहित बड़ी संख्या में राजपत्रित अधिकारी मौजूद रहे।
निर्वाचन आयोग के निर्देश के क्रम में 2024 लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत जनपद में मतदाता पुनरीक्षण का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। जहां बड़े पैमाने पर मतदाता सूची में नए मतदाताओं को जोड़ने का कार्य किया गया है, वहीं स्थानांतरित व मृत्यु हो चुके मतदाताओं का नाम काटने का कार्य भी मतदाता सूची से किया जा रहा है। वहीं जागरूकता के माध्यम से लोगों को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के प्रति जागरूक करने का कार्य भी किया जा रहा है। मशीन आप वोट डाल के चेक कर सकते हो। इसकी आवाज़ बोलेगी 7 सेकंड के लिए, उसमें पर्ची दिखाई देगी, उसके बाद में वो कट कर जो इसके प्रिंटर में से कट के नीचे चली जाएगी, इसकी आवाज़ आएगी सर, और फिर बीप की आवाज़ होगी, इसका मतलब है कि वोट पड़ गया। इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने बताया, बेसिकली लोकसभा चुनाव के लिए जो 2024 साल वर्ष जो होना है उसके संबंध में कुछ एक्टिविटीज़ हमारे यहाँ हो रहा है। एक तो नंबर वन रोल रिवीजन का काम भी चल रहा है जो 22 तारीख को फाइनल प्रकाशन हो गया। इसके अतिरिक्त मतलब उसी रोल रिवीजन में जो रोल में जो नए मतदाता को ऐड किया गया है, मतलब प्यूरिफाई किया गया है, जो डेथ है उनको डिलीट किया गया है। इसके अलावा जो EVMs है उसके संदर्भ में भी पब्लिक को सेंसिटाइज भी किया जा रहा है, ट्रेन भी किया जा रहा है, ताकि जब इलेक्शन का टाइम आएगा तो लोग को पता हो कि ये मतलब किस तरह से अपना मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं प्रिया मिर्जा, आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन। हाय, मैं विशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन। मैं हूँ दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ, आप देख रहे हैं सिटी वन गोरखपुर का नंबर वन चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूँ कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन। हाय मनमीत, हाय मनमीत विद मीत ब्रोस, और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आइए देखते हैं दिलजीत। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी गोरखपुर महोत्सव में वन विभाग द्वारा बढ़ चढ़ कर प्रतिभाग किया जा रहा है। वन विभाग 11 से 13 जनवरी तक योगीराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में पर्यावरण संरक्षण व वन्य जीवों के संरक्षण को लेकर विभिन्न माध्यमों से बच्चों को जागरूक करने का कार्य करेगा। साथ ही गोरखपुर महोत्सव में वन विभाग द्वारा स्टॉल लगाकर वन विभाग के कार्यों के संबंध में लोगों को जानकारी मुहैया कराई जाएगी। वहीं वन विभाग की देखरेख में बांस से बने हुए विभिन्न उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए DFO विकास कुमार यादव ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी गोरखपुर महोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और उसमें भी वन विभाग अपनी पूरी तैयारी के साथ गोरखपुर महोत्सव में प्रतिभाग करने जा रहा है। इस बार भी हम पिछले 2 वर्षों से हमने एक नई पहल की है कि पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और वन्य जीवों के ऊपर फिल्मोत्सव का हम लोग आयोजन करते हैं। गोरखपुर महोत्सव के दौरान एक फिल्मोत्सव का आयोजन किया जाता है जो कि बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में दोपहर 12 से लेकर 2 बजे तक 11, 12, 13 प्रतिदिन 2 घंटे जो भी महत्वपूर्ण पिक्चर है या मूवी है और इसमें जो ग्रीन ऑस्कर विजेता माइकल पांडे जी की जो खास तौर पर जो ऐसी उल्लेखनीय पिक्चर फिल्म्स हैं जिसे देखकर जो है बच्चों को एक नई जागरूकता मिल सकती है, लोगों को एक नया जागरूकता मिल सकती है, एक नया पहलू मिल सकता है कि हमें किस तरीके से पर्यावरण को और अपने वन्यजीव को संरक्षण करना है, उनकी मूवी जो है दिखाई जाएंगी। ये मूवी देखना अपने आप में दुर्लभ है क्योंकि माइक एच पांडे जी जो हैं इसमें बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और उनकी जो देश विदेश में ख्याति है तो उसी को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और जो 3 दिन लगातार उनकी पिक्चरों का यहाँ प्रदर्शन किया जाएगा। इसके साथ साथ ही हम लोगों ने एक क्विज कंपटीशन इसमें आयोजित कर रहे हैं हम लोग, जिसमें बच्चे जो हैं 12th क्लास तक के बच्चे निशुल्क पार्टिसिपेट कर सकते हैं और जब वो पार्टिसिपेट करेंगे तो उसमें जो उसमें विजेता रहेगा
या जो पार्टिसिपेट कर रहा है और इसमें मिनिमम मार्क्स लेके आ रहा है उसको हम लोग एक प्रशस्ति पत्र देंगे। साथ ही साथ उन लोगों के लिए जो ये हम लोग मूवी जो फिल्मोत्सव कर रहे हैं उसमें निःशुल्क एंट्री है और जो भी उनके लिए व्यवस्था है वो हम लोग पूरी तरीके से उन लोगों करके वहाँ पर प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। इसके साथ ही वन विभाग अपने दो स्टॉल लगाने जा रहा है, एक हम लोग जो वन विभाग से संबंधित कार्य हैं उसका प्रदर्शन करते हैं, साथ ही साथ जो बैम्बू का जो उत्पाद एक अनोखा पहल गोरखपुर में हम लोगों ने किया है उससे जो उत्पाद बन रहे हैं उसकी एक लिए भी स्टॉल बनेगा। इस प्रोग्राम में जो हम लोग करने जा रहे हैं हमारे साथ जो हमारे सहयोगी हैं एक शहीद अशफाकुल्ला खान प्राणी उद्यान और साथ ही साथ हेरिटेज फाउंडेशन जो इस पर्यावरण संरक्षण में हमेशा अग्रणी रहता है हमेशा बढ़ चढ़ कर योगदान देता है, हम उनके साथ में ये प्रोग्राम आगे करने जा रहे हैं। और जो स्टॉल लग रहा है उसमें साथ ही साथ जो वाइल्ड लाइफ से संबंधित जो हमारे जैसे नमामि गंगे अभी प्रोग्राम चल रहा है तो नदियों को किस तरह हम संरक्षित कर रहे हैं, नदियों में जीव जंतु पाए जाते हैं उनको किस तरह संरक्षित कर रहे हैं, साथ ही साथ जो वन्य जीव हैं या पर्यावरण के ऊपर जो डाक टिकट है उसका भी अनूठा संग्रह किया गया है उसको भी हम लोग इसमें प्रदर्शित करेंगे। तो एक हम लोग कई मुद्दों पर कई पहलुओं पर एक साथ इसमें चीज़ें हम लोग जनता के सामने लेकर आ रहे हैं और हमें उम्मीद है कि जो लोग भी इसको देखेंगे उनको बहुत ही पसंद आएगा। शहीद रविंद्र सिंह प्रतिभा खोज परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन बुधवार को सिविल लाइन स्थित गोरखपुर क्लब में मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद व भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर राधामोहन दास अग्रवाल की मौजूदगी में किया गया। पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन भारतीय नवयुवक संघ के संयुक्त सचिव आदित्य प्रताप सिंह की देखरेख में किया गया जिसमें विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व विधायक सहजन व शीतल पांडे, आरपीएम अकादमी के अध्यक्ष अजय शाही, पूर्व विधायक राजमणि पांडे व गोरखपुर एम्स के जनरल सर्जन डॉक्टर मुकुल सिंह भी मौजूद रहे। वहीं प्रतिभागी बच्चों को स्मृति चिन्ह व प्रशस्ति पत्र देकर उन्हें सम्मानित किया गया। बहुत कम मिला लेकिन बहुत कम समय में आपने एक बहुत अच्छा स्थान बनाया, जिन्होंने अपना एक अलग ही स्थान बनाया। हम जब छात्र जीवन में थे मैं परिचित हूँ, सबके जीवन से मैं परिचित हूँ, फिर भी वर्तमान में कार्यक्रम में नहीं आऊँगा तो आप सबको कितना दुख होगा और भारतीय जनता पार्टी के लिए और विशेष रूप से नरेंद्र मोदी जी के टीम के लिए आपके मन में कैसे कैसे विचार आएंगे मैं इसकी कल्पना कर सकता हूँ। इसलिए आदित्य ने भी कहा कि डॉक्टर साहब आपको आना ही होगा और मुझे भी लगा कि मैं नौजवानों के बीच में मुझे जाना ही चाहिए, इसलिए मैंने तय किया कि मुझे हर हालत में आप बच्चों के बीच में पहुंचना ही है। देर हुआ है लेकिन फिर भी आपके बीच में हूं और आपका आभारी हूं कि आप इतने धैर्य के साथ 10 बजे से यहां आए हैं मुझे बताया गया फिर भी इस कार्यक्रम में बैठे हुए हैं। आप सबको एक बार पुनः इसके लिए आभार प्रकट करूँगा और क्षमा मांगूंगा। अरविंद पाल सिंह और दूसरा अविनम पांडे सन आप दीपेंद्र पांडे इनाम पुरस्कार पा रहे हैं। भैया ट्रे पीछे करिए भैया जूनियर वर्ग में फर्स्ट पोजीशन है इसको बाइक की चाबी आदरणीय मुख्य अतिथि जी के द्वारा पीछे से बाइक रिपोर्ट बाइक। अरे अभी तीनों बच्चे आ रहे हैं काहे हल्ला मचा बच्चे टीम के द्वारा सही रवि सिंह जी के द्वारा चाबी सर बच्चे को दीजिए ना सर चाबी बच्चे को दीजिए। पिताजी से भैया मोबाइल भैया भैया मोबाइल अरे भैया हाथ थोड़ा सा पीछे आइए ना। अरे भाई सबका आई नहीं पा रहा फोटो हो जाने दो फोटो हो जाने। अरे भैया
इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए राज्यसभा सांसद व भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर राधामोहन दास अग्रवाल व आयोजक आदित्य प्रताप सिंह ने बताया। भारतीय नवयुवक संघ जो गोरखपुर आधारित एक सामाजिक संगठन है, सारे नौजवान जो स्वर्गीय रविंद्र सिंह की विचारधारा से प्रेरित होकर के आदित्य प्रताप सिंह के नेतृत्व में पिछले 7-8 सालों से बहुत अच्छे रचनात्मक और सकारात्मक काम कर रहे हैं। आज उन्होंने बच्चों की प्रतिभा को सम्मानित करने के लिए पूरे गोरखपुर में जो बच्चे पढ़ने लिखने में अच्छे आए हैं उन बच्चों को पुरस्कृत करने का समाज के स्तर पर निर्णय लिया। आज मैं इस कार्यक्रम में इसीलिए विशेष रूप से दिल्ली से चल करके आया हूँ। जब हम समाज इस प्रकार के कार्यक्रमों करता है तो बच्चों में एक जोश आता है, उत्साह पैदा होता है और वो पहले से और बेहतर करने की प्रेरणा पाते हैं। मुझे खुशी है कि ये नौजवान जिनके बारे में न जाने कितनी बातें कही जाती हैं, ये नौजवान बच्चे आदित्य प्रताप सिंह अभी मुश्किल से 30-35 साल का लड़का होगा, ये सारे नौजवान लड़के मिलकर के समाज को दिशा देने का काम कर रहे हैं, तो मैं इनको भी बधाई देता हूँ और जो बच्चे पुरस्कृत हुए हैं तो स्वाभाविक रूप से उन्हें बधाई देता हूँ और ईश्वर से। शहीद रविंद्र सिंह प्रतिभा खोज प्रतियोगिता हुई थी 31 दिसंबर को, 4 सेंटरों पर हुई थी, गणेश पांडे कटघर, हेरिटेज अकेडमी बरडाण, RPM अकेडमी सिविल लाइन, RPM अकेडमी कोड़ीराम। उसमें जो बच्चे जीते हैं उनको आज यहाँ गोरखपुर क्लब में प्राइज़ दिया जा रहा है। फर्स्ट प्राइज बाइक, सेकंड प्राइज 21,000 रुपये, थर्ड प्राइज 16,000 रुपये और उसके बाद जो लोग कॉन्सोलेशन प्राइज जीते हैं उन सब बच्चों को 1500 रुपये और मेडल और सर्टिफिकेट सभी बच्चों को। विजेता टीम के लिए और जो उप विजेता उनके लिए क्या है? विजेता के लिए बहुत शुभकामनाएँ, जो उप विजेता हैं उनको उनको भी शुभकामनाएं और उनको भाई कि और मेहनत करें, अगली बार वो बाइक जीते, कॉन्सोलेशन वाले सेकंड के लिए, फर्स्ट के लिए लड़ें और ये सब बच्चे खूब पढ़ें। हर साल ये प्रतियोगिता कराएंगे और बड़े लेवल पे कराएंगे। बच्चों से क्या अपील करना चाहेंगे? बच्चे से हम चाहेंगे कि खूब मन लगा के पढ़ाई करो, माता पिता जो चाहते हैं वो उनकी इच्छा पूरी करो, अगली बार सब मन लगा के पढ़ो, जो बेस्ट होगा वो जीत जाएगा। जनपद में वन विभाग द्वारा अवैध कटान पर प्रभावी कार्रवाई के साथ ही अवैध कटान से जुड़े लोगों के ऊपर भी कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। वहीं वन विभाग द्वारा वन क्षेत्र के सार्वजनिक स्थलों पर कटीले तारों, पोल आदि के माध्यम से बैरिकेडिंग कर लोगों की सुरक्षा की व्यवस्था भी की गई है। साथ ही वन विभाग चेतावनी बोर्ड के माध्यम से लोगों से पर्यावरण संरक्षण को लेकर वन विभाग सहयोग की अपील भी कर रहा है। इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए DFO विकास कुमार यादव ने बताया। कटान को हम लोगों ने, हमारा जो लक्ष्य है पूरी तरीके से नियंत्रण करने का लक्ष्य है और इसमें हमें सफलता लगातार मिल रही है। कटान लगभग शून्य हो चुका है, इक्का दुक्का जो घटनाएं होती हैं उस पर भी हम लोग पूरी तरीके से कार्रवाई करते हैं। विगत कुछ महीनों में कुछ इक्का दुक्का घटनाएं हुई हैं जो कैंपियरगंज में हुआ है, उस पर हम लोगों ने कार्रवाई की है। यदि कहीं हमें अपने स्टाफ की भी लापरवाही नज़र आती है तो हम लोग उसके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई करते हैं। इसी क्रम में जो है हम लोग ऐसे सेंसिटिव जगह जहां पर जनता की, लोगों की आवागमन ज़्यादा रहता है या फिर अपराधी तत्व जो है ज़्यादा सक्रिय रहते हैं, उसको हम लोगों ने तार वार लगा कर, चैनलिंग फेंसिंग करके, सुरक्षा का ही खड़ा कर उसको बंद किया है। जगह जगह हमारे चेतावनी वाले बोर्ड हमने लगाए हैं, हमारा जो लोकल स्टाफ है, साथ ही साथ हमारा जो सुरक्षा दल गठित है लगातार गश्त कर रहा है और उसी का फल ये निकल रहा है कि काफ़ी घटनाओं में कमी आई है और लगभग नाम मात्र एक या दुक्का जो महीने में घटना होती है उस पर भी हम लोग पूरी तरीके से लगाम लगाने के ऊपर हमारा लक्ष्य हम लोगों ने साधा है। विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी CRC गोरखपुर द्वारा गोरखपुर महोत्सव से संबंधित दिव्यांगजनों के लिए व्हीलचेयर ट्राईसाइकिल दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन क्षेत्रीय क्रीड़ा स्थल सिविल लाइन में किया गया, जिसमें जनपद के 25 से ज्यादा दिव्यांगजनों ने प्रतिभाग किया। प्रतियोगिता का शुभारंभ मुख्य अतिथि CRC गोरखपुर के निदेशक जितेंद्र यादव व विशिष्ट अतिथि सहायक सूचना निदेशक प्रशांत कुमार श्रीवास्तव द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया गया। विजेता को स्मृति चिन्ह व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया, साथ ही सभी प्रतियोगियों को भी प्रमाण पत्र दिया गया। बहुत ही जो सवाल वो इस कार्यक्रम में भारत माता की, बहुत ही जो सरोज के साथ उत्साह। 1 2 3 एंड फिल ऑफ पहिए को लैंड कर लें, रेडी 1 2 3 अति उत्साह नजर आ
जा रहा है बहुत ही फुर्ती के साथ, बहुत ही ज्यादा फुर्ती के साथ। ये बीच वाला गया, अब मैं देख पा रहा बीच वाला निकल गया। प्रतिभागी इस ट्राइसाइकिल रेस में अपनी पूरी ऊर्जा लगा करके इसमें प्रतिभाग करते हुए वन टू थ्री किया गया है। असीम ऊर्जा के साथ हमारे प्रतिभागी इस कार्यक्रम में अपनी जो भी प्रतिभागी से सम्मिलित हैं बहुत असीम पूरी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए पूरी क्षमता का प्रदर्शन। इस संबंध में सिटीवन संवाददाता से बात करते हुए सीआरसी गोरखपुर के निदेशक जितेंद्र यादव व क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी आले हैदर ने बताया। एक्चुअली आप अवगत होंगे कि गोरखपुर महोत्सव का आयोजन हुआ है और हर साल ये आयोजन होता है। बड़े लेवल पे यहाँ पे प्रोग्राम्स होते हैं, उन प्रोग्राम्स में खास करके इस स्पोर्ट में दिव्यांगजन भी अपने को समावेशित महसूस करें, एक जो हमारा समाज है उसका एक अभिन्न पार्ट अपने आप को महसूस करें और इनफैक्ट हम उनको समावेशित कर सकें, इस क्रम में आज दिव्यांग लोगों की ट्राईसाइकिल रेस का आयोजन किया गया है। पूरे जनपद और हम कहेंगे जनपद के दूसरे नेबरिंग जो जनपद हैं वहाँ से भी कई दिव्यांग हम लोगों के मध्य उपस्थित हैं। आप देख सकते हैं इनका जोश, इनका उत्साह कहीं से भी एक सामान्य से कम उत्साह से परिपूर्ण नहीं है और ये बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं, अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं और हम लोग कहीं ना कहीं अपने उद्देश्य में जिसके लिए हमारा विभाग हमारा केंद्र काम करता है उसमें इस तरह के आयोजन से हम सफल पा रहे हैं। इसके बाद इनको पुरस्कार वितरित किया जाना है। माननीय CDO साहब गोरखपुर के, उन्होंने भी अपनी सहमति दी है, सहायक सूचना निदेशक को आने का यहाँ पे सुनिश्चित हुआ है। दिव्यांग ट्राइसाइकिल रेस हो रही है, इसमें बहुत सारे दिव्यांग खिलाड़ी यहाँ आए हैं ट्राइसाइकिल रेस में भाग लेने के लिए। बड़े ही जोश और उत्साह है इनमें और निश्चित रूप से किसी से कम नहीं, कोई बिल्कुल समानता है और ये जिस तरह से और बच्चे भाग ले रहे हैं इन्होंने भी अपने इवेंट्स में बढ़ चढ़ के भाग लिया है। जो अभी इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे उनको पुरस्कार दिए जाएंगे महोत्सव समिति की ओर से और ये बहुत ही अच्छा अवसर है कि इनको ये प्लेटफॉर्म मिला है अपने आप को ग्रूम करने का, आगे बढ़ाने का और निश्चित रूप से इस तरह से ये और खिलाड़ियों की तरह भी इन्होंने समानता के साथ में भाग लिया है। तो ढेर सारी शुभकामनाएं हम दिव्यांग खिलाड़ियों को देते हैं कि उन्होंने पूरे जोश के साथ में इसमें भाग लिया। दिन में बस इतना ही, आइए नजर डाल लेते हैं आज के सुर्खियों पर। पंचमुखी हनुमान मंदिर पर पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर राज्यसभा सांसद व भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री ने अक्षत वितरण कार्यक्रम का किया शुभारंभ। 11 से 17 जनवरी तक भव्य रूप से विभिन्न विभागों के आपसी सामंजस्य के तहत गोरखपुर महोत्सव का होगा आयोजन। वरिष्ठ प्रशिक्षक के नेतृत्व में IG रेंज के स्थानांतरण पर विदाई समारोह का किया गया भव्य आयोजन। जिलाधिकारी ने जानकारी का, आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत जनपद में किया जा रहा मतदाता पुनरीक्षण का कार्य। गोरखपुर महोत्सव में आकर्षण का केंद्र रहेगा वन विभाग की देख रेख में बांस से निर्मित विभिन्न उत्पादों का स्टॉल। भारतीय नवयुवक संघ द्वारा आयोजित शहीद रविंद्र सिंह प्रतिभा खोज परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का पुरस्कार वितरण समारोह का हुआ आयोजन। DFO ने जानकारी, कहा जनपद में अवैध कटान के खिलाफ वन विभाग कर रहा प्रभावी कार्रवाई। और गोरखपुर महोत्सव से संबंधित दिव्यांगजनों के लिए CRC गोरखपुर द्वारा व्हीलचेयर ट्राईसाइकिल दौड़ प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।